Hello students, you are most welcome at our channel PERMS. आज हम study करने जा रहे हैं class 6 maths exercise 1.1 question 1 fill in the blanks a 1 lakh is equal dash 10,000 b 1 million is equal dash 100,000 C 1 crore is equal dash 10 lakh D 1 crore is equal dash million E 1 million is equal dash lakh Students, ये सम solve करने के लिए हमें पहले place value chart बनाना होगा place value chart बनाए cos return करें ones, tens, hundred, thousands, ten thousands, lakh, ten lakh, crore, ten crore. इसके बाद में part A में आपको 1 lakh दिया हुआ है, तो आप lakh वाले place में 1 return करें और बाकी सभी place पर 0 कर दें. इस तरह से ये 1 lakh हो गया. आपने find करना है 1 lakh is equal 10,000 means 1 lakh में कितनी बार how many times 10,000 होंगे आपने बताना है 1 लाख में कितनी बार 10,000 होंगे तो ये जो आपने 1 लाख रिटर्न किया है इसे फिर से काउंटिंग करें वंस की साइड से हम देखते हैं वंस टेंस 100 1000 10,000 यहां तक ये 0 है इसके बाद में 1 लाख है आप जानते हैं कि नेक्स्ट वाले नंबर पर जाने के लिए टेंस मल्टीप्लाई होता है हम यहां देखते हैं कि एक प्लेस लैक वाला रिमेनिंग होता है से बचता है वन प्लेस के लिए आप जानते हो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है इसीलिए 10 यूज करते हुए आंसर रिटर्न कर दें 10 टाइम्स 10,000 पार्ट वी है 1 million इसके लिए आप फिर से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं और नंबर नोट करें वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड्स मिलियन 10 million बिलियन क्वेश्चन में आपको 1 million दिया गया है तो मिलियन के नीचे 1 रिटर्न करें बाकी प्लेस में 0 करते चले आपने फाइंड करना है हाउ मेनी 100,000 मेक अ मिलियन मींस कितनी बार 100,000 होंगे जो 1 मिलियन के इक्वल तो ये नंबर्स फिर से काउंटिंग करें वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 और इससे नेक्स्ट वाला 1 मिलियन होता है और आप जानते हो नेक्स्ट वाले नंबर के लिए 10 टाइम्स हो जाता है इसीलिए हमारा आंसर हो गया 10,000 आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 100,000 जो है इसी आप 1 times 100,000 माइंड कर लें और नेक्स्ट वाला हो गया 10 times 100,000 सो राइट हियर 10,000 पार्ट सी ये है 1 crore इज इक्वल डैश 10 lakh तो इसके लिए आप ये प्लेस वैल्यू चार्ट देखें करोर वाले में 1 रिटर्न करें बाकी प्लेस में 0 करें इस तरह से ये 1 crore हो गया आपने फाइंड करना है हाउ मेनी 10 lakh इन 1 crore इसे काउंटिंग करें वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख ये 10 lakh इसे आप इस तरह से माइंड कर लें 1 time 10 lakh देन नेक्स्ट 10 time 10 lakh हो गया एंड राइट हियर 10 lakh
डी 1 करोड़ इज इक्वल डैश मिलियन, प्लेस वैल्यू चार्ट में यूज करें 1 करोड़ वाले में 1 करें, बाकी प्लेसेज में 0 करें। इस तरह से ये 1 करोड़ हो गया। प्लेस वैल्यू चार्ट में नीचे आप इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू काउंटिंग करें, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन, 10,000,000। वी फाइंड हियर 1 करोड़ इज इक्वल 10,000,000। नेक्स्ट पार्ट इज 1,000,000 इज इक्वल डैश लैक। तो आप ये मिलियन वाला प्लेस वैल्यू चार्ट लें, इसमें 1,000,000 नोट करें, 1,000,000 के नीचे 1 करें, बाकी प्लेसेज में 0 करें। इस तरह से ये हो गया 1,000,000। इसे अब हिंदी न्यूमेरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग रीडिंग करें, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 1,00,000, एंड मिलियन वाले में जाता है 10,00,000। सो राइट हियर 10,00,000। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। पार्ट ए है 73,75,307। स्टूडेंट, इसे ठीक से और इजीली करने के लिए हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू टेबल करनी होगी। ये 73 लाख है तो आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ करें, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। हमारे पास में 73 लाख है तो लाख और 10,00,000 वाले कॉलम में 73 करें। इसके बाद में 75,000 है, थाउजेंड्स एंड 10,000 वाले कॉलम में 75 करें। इसके बाद 300, हंड्रेड्स वाले में 3 करें। टेंस प्लेस हमारा ब्लैंक है, इसके बाद 7 है तो वंस प्लेस में 7 करें। टेंस प्लेस में ब्लैंक था इसीलिए यहाँ पर 0 रिटर्न करें। अब आप इसमें देख के बड़े इजीली कर सकते हैं कि 10,00,000 में 7 है और लैक में 3 है। इस तरह से ये 73 लाख 75,307 हो गया, जहां पर लैख और 10,00,000 है, थाउजेंड्स और 10,000 है, इन्हें सेपरेट करने के लिए कॉमास यूज करें। इस तरह से ये 73 लाख यहाँ कॉमा हो जाएगा, 75,000 यहाँ भी कॉमा हो जाएगा, एंड 307। पार्ट बी, नाइन करोड़ 5,41,000। यही प्लेस वैल्यू चार्ट यूज कर सकते हैं। करोड़ वाले प्लेस में 9 यूज करें, 10,00,000 वाला ब्लैंक है, इसके बाद आपको 5,00,000 दिया है तो लैक वाले में 5 करें, एंड 41 है। 41 मीन्स टेंस प्लेस 4 एंड वंस प्लेस 1। जो ब्लैंक प्लेस हैं उनमें 0 यूज करें। इसके बाद करोड़, 9 करोड़ है, यहाँ कॉमा लगा दें, लैक एंड 10,00,000, यहाँ 10,00,000 0 है, लैक 5 है, यहाँ पर कॉमा लगा दें। इसके बाद 100 और थाउजेंड्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएं, एंड 41। पार्ट सी, 7,52,21,302। ये रिटर्न करें, 7 करोड़ वाले में 7 करें, 52 लाख 10,00,000 में 52 करें, 21,000 में 21, 300 वाले में 3, एंड 2। टेंस प्लेस ब्लैंक है, यहाँ पे 0 रिटर्न करें। इसके बाद में करोड़ के बाद में कोमा लगाएंगे, मे आफ्टर 7 कोमा यूज होगा,
लेग 10 लेग के बाद कॉमा लगाएंगे, मींस 2 और 2 के बीच में कॉमा होगा। 1000 10000 के बीच में कॉमा लगाएं, मींस 1 और 3 के बीच में कॉमा होगा। इस तरह से ये हो गया 7,52,21,302। नाउ पर डे 58,423,202। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए वही आपने टेबल करनी है। रिटर्न करें वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन। आपके पास 58 मिलियन है, तो मिलियन और 10 मिलियन के नीचे 58 करें। इसके बाद 423,000 है, 100 423 रिटर्न करें। इसके बाद में 203 है, तो 100 प्लेस में 2, टेंस प्लेस ब्लैंक एंड 2। ये टेंस प्लेस ब्लैंक है, इसीलिए यहाँ पे 0 रिटर्न करें। अब आपने ये कॉमा यूज करते हुए करना है, मिलियन 10 मिलियन ये कॉमा से अलग सेपरेट करें, 100,000 10,000 एंड 1000 इसे कॉमा से सेपरेट करें। इस तरह से ये 58,423,202 हो गया। आपने मिलियन 10 मिलियन, 100,000 10,000 1000 इसके बाद कॉमा यूज करना है, इसके बाद 202। नेक्स्ट ई 23,30,010। आप इंडियन सिस्टम में नोट करें, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेक, टेन लेक, करो, टेन करो। अब आपके पास 23 लेक है, लेक और 10 लेक इसके नीचे 23 रिटर्न करें। 1000 10000 30 है, इसके बाद 10, 100 प्लेस ब्लैंक है, यहाँ पे 0 यूज करें। सेम आपने लेग 10 लेग इसे कॉमा से सेपरेट करना है, 1000 10000 को कॉमा से करना है, रिटर्न करें 23,30,010, 23 लेग कॉमा 30,000 कॉमा 10। Now question 3, insert commas suitably and write the names according to Indian system of numeration. A 87595 A B C D, यहाँ पे आपको ये कुछ numbers दिए गए हैं, ये आपने according to Indian numeration system इनमें comma use करने हैं और नंबर नेम्स भी नोट करना है। इसके लिए आपको सेम प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करना होगा। जिस तरह से ये आपको नंबर दिया है, वंस की साइड से नोट करना शुरू करें, 2,6,7,5,9,5,7,8। अब आप इसे बड़े इजीली रीड कर सकते हैं, करोड़ वाले कॉलम में 8 है तो ये 8 करोड़ हो गया, लेक 10 लेक में 7 एंड 5 है तो ये 75 लेक हो गया, 1000 10000 में 9 एंड 5 है तो ये 95 हो गया, 95,762। इसे सेम एज रिटर्न कर दें, सेम रिटर्न करें 8, इसके बाद कॉमा हो जाएगा करोड़ को सेपरेट करने के लिए, 75 लेक है इसके बाद कॉमा हो जाएगा, 1000 10000 95 है इसके बाद कॉमा हो जाएगा एंड 762। और इसे नंबर नेम नोट कर दें, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। सेकंड नंबर है, नोट करें सेम एज
3, 8, 2, 6, 4, 5, 8. अब इसे कॉमा के साथ यूज करें, लैक एंड 10 लैक, इस तरह से ये 85 लैक हो गया। कॉमा यूज करें, 1000, 10,000 46 है, 46,000 हो गया। कॉमा यूज करें एंड 283 सेम रिटर्न कर दें, 85 लैक 46,283। इसके बाद पार्ट सी रिटर्न करें, 6, 4, 0, 0, 0, 9, 9, 9. अब इसे कॉमास के साथ यूज करें, 9 करोड़ है, 9 के बाद कॉमा करें, इसके बाद 99 लाख है, इसके बाद कॉमा यूज करें, 1000, 10,000 सेपरेट करने के लिए 2 जीरो इसके बाद कॉमा यूज करें, इसके बाद 48, इसके बाद इसका नंबर नेम नोट करें, 9 crore 99 lakh 46 1 0 7 2 3 8 4 9। पहले इसे कॉमा लगाते हुए यूज करें, 9 करोड़, 9 के बाद कॉमा हो जाएगा। $84 lakh 4 के बाद कॉमा हो जाएगा, 32,000 2 के बाद कॉमा हो जाएगा, 701 एंड राइट इट्स नंबर नेम, 9 crore 84 lakh 32,701। क्वेश्चन 4 नेहरे बंद है, बिल्कुल क्वेश्चन 4 इंसर्ट कॉमास सुइटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ए बी सी डी। आपने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास यूज करते हुए इनके नंबर नेम करने हैं। इसे इजीली करने के लिए आपने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की टेबल ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद ए वाला इन्हें रिटर्न करें, 7, 8, 9, 2, 1, 0, 9, 2। इस तरह से ये होता है, 78 मिलियन कॉमा लगा दें, 921,000 कॉमा लगा दें, 0, 192। अब इसे नंबर नेम के साथ नोट करें, 78,921,092। Now part B, 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3 कॉमा यूज करते हुए करें, 7 मिलियन है, 7 के बाद कॉमा यूज करें, 452,000 है, इसके बाद कॉमा करें, 283 इसका नंबर नेम करें, 7,452,283। Now part C, 9, 9, 9, 8, 5, 1, 0, 2 कॉमा स्विच करते हुए नोट करें, 99 मिलियन है, कॉमा लगा दें, 985,000 है, इसके बाद कॉमा, 102 इसका नंबर नेम नोट करें, 99,985,102 Now part D, 4
एट जीरो फोर नाइन एट थ्री वन। कॉमास यूज करते हुए नोट करें। फोर्टी एट कॉमास लगा दें, ये मिलियन है। जीरो हंड्रेड फोर्टी नाइन ये थाउजेंड्स है, कॉमा यूज करें। एट हंड्रेड थर्टी वन, अब इसका नंबर नेम नोट करें। फोर्टी एट मिलियन फोर्टी नाइन थाउजेंड्स एट हंड्रेड थर्टी वन।